गाइस और मोस्ट वेलकम ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम। आप में से बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि क्या मैम आपने अनअकैडमी छोड़ दिया है, बिकॉज 10 to 15 डेज से मैं प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी, मैं कोई भी क्लासेस नहीं ले रही थी। तो आज मैं सबको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाए। भाई मैंने अनअकैडमी नहीं छोड़ा है, इवन आज से मेरी क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं। आज जो क्लास होगी वो 8 बजे रात में होगी, जहाँ पर मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिकल का कॉन्टेंट शेयर करने वाली हूँ, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इसी के साथ साथ कुछ हंसी की बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे मुझे ये लिख के भेज रहे थे, क्या मैम आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए इस वजह से क्या आपको अनअकैडमी ने निकाल दिया। एक बच्चा लिखता है कि मैम क्या आपके व्यूज अच्छे नहीं आ रहे थे इस वजह से अनअकैडमी ने निकाल दिया। एक बच्चा बोल रहा है मैम आपको निकाला गया है या आपने खुद लेफ्ट कर दिया है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप खुद सोच के देखो, आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देते हो, वीडियोज में इतना सारा एप्रिसिएशन है, तो कोई मुझे क्यों निकालेगा, आप खुद सोच के देखो। और जिसके पास आप जैसे स्टूडेंट्स का सपोर्ट सिस्टम है उसको कोई नहीं निकाल सकता एक्सेप्ट गॉड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन, फॉर योर सपोर्ट। और इसी सपोर्ट की वजह से समझ लीजिए मैं टीचिंग करती हूँ। जिस दिन आप लोगों का सपोर्ट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिस दिन आप लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, उस दिन मैं खुद ही ये टीचिंग प्रोफेशन ही छोड़ दूंगी, नॉट इवन अनअकैडमी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आज से क्लासेस मैंने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन था कि मैं 10 to 15 डेज से क्लासेस क्यों नहीं ले रही थी। तो भाई हर इंसान को थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, बिकॉज लास्ट 6 मंथ से मैंने कोई भी छुट्टी नहीं करी थी, रेगुलर क्लासेस ले रही थी। तो कुछ नया इनोवेटिव करने के लिए आपको खुद को थोड़ा टाइम देना होता है, तो वही मैंने करा। और अब जो कॉन्टेंट आएगा डेफिनेटली उसकी क्वालिटी टॉप पर जा चुकी होगी, और गेट एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आप भी एक्टिव हो जाओ, मैं भी एक्टिव हो गई हूँ, लग के अच्छे से गेट की प्रिपरेशन करेंगे और अच्छी रैंक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।